हेलो दोस्तों, क्या आप अंडर 20,000 के प्राइस रेंज पे एक बेस्ट गेमिंग टैबलेट ढूंढ रहे हैं लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा परचेस करें, किस ब्रांड का परचेस करें जिसमें परफॉर्मेंस के साथ में बाकी फीचर्स भी बढ़िया देखने को मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट गेमिंग टैबलेट बताऊंगा जो आपको अंडर 20,000 के प्राइस रेंज पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज की लिस्ट में जितने भी टैबलेट बता रहा हूं इसमें आपको कॉलिंग और विदाउट कॉलिंग दोनों तरह के टैबलेट देखने को मिल जाएंगे और जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, लुक और डिजाइन है वो भी एकदम प्रीमियम देखने को मिलेगी। उसी के साथ में जो फीचर्स दिए गए वो भी आपको बहुत ही जस्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, बैटरी बैकअप फास्ट चार्जिंग की बात करें, कैमरे की बात करें या साउंड क्वालिटी की, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। और इन सारे टैबलेट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अंडर 15,000 के प्राइस रेंज पे, अंडर 10,000 के प्राइस रेंज पे एक बेस्ट गेमिंग या नॉर्मल टैबलेट लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट गेमिंग टैबलेट्स हैं जो आज के इस लिस्ट में इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इसमें जो पांचवें नंबर पे टैबलेट आता है सैमसंग की तरफ से। तो अगर आप एक वाईफाई कनेक्टिव फीचर वाला टैबलेट लेना चाहते हैं जिसमें फीचर डिस्प्ले वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाए तब आप इसको जरूर ले सकते हैं, और सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस। अब इस टैबलेट की बात करें तो इसमें 11 इंच की फुल HD 90Hz रिफ्रेश वाली IPS LCD डिस्प्ले जिसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, 7040mAh की बैटरी, 8MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर और वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 8GB 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 20,999 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पे 3,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 17,999 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट की बात करें तो 2023 में लॉन्च हुआ था और सैमसंग की तरफ से दोस्तों इसमें जो फीचर्स दिए गए आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, चाहे रैम और स्टोरेज की बात करें, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें या कैमरे की बात करें, साउंड क्वालिटी की, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप एक सैमसंग की तरफ से नॉर्मल यूज के लिए एक बेस्ट टैबलेट लेना चाहते हैं तब आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको कॉलिंग फीचर नहीं मिलता है, तो अगर आप कॉलिंग टैबलेट लेना चाहते हैं सैमसंग की तरफ से इसी प्राइस सेगमेंट में तो आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 4G सिम का कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाएगा जिससे उसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं और वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिव फीचर भी मिल जाएंगे। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर टैबलेट आता है रियलमी की तरफ से, तो अगर आप एक रियलमी की तरफ से कॉलिंग टैबलेट लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं, और रियलमी पैड 2 4G। अब इस टैब की बात करें तो इसमें 11.5 इंच की 2K 120Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD डिस्प्ले जिसमें मीडियाटेक हीलियो G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8360mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 8MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, क्वाड डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर, वाईफाई ब्लूटूथ और 4G LTE सिम कनेक्टिविटी फीचर के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 6GB 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 19,999 रुपीज में आता है। तो दोस्तों इस टैब की बात करें इसमें भी आपको फीचर बढ़िया देखने को मिल जाता है, 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है वो भी 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसी के साथ में जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जो कैमरा दिया गया है, जो इसमें आपको साउंड क्वालिटी मिलती है, सब कुछ एकदम जबरदस्त देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आपको 4G सिम कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाता है तो इसमें आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक रियलमी की तरफ से नॉर्मल गेमिंग के लिए एक बेस्ट टैबलेट ढूंढ रहे हैं तब आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर टैबलेट आता है वन प्लस की तरफ से। तो अगर आप एक वन प्लस जैसे ब्रांड की तरफ से एक बेस्ट टैबलेट लेना चाहते हैं जिसमें फीचर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाए तब आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और वन प्लस पैड गो। अब इस टैबलेट की बात करें तो इसमें 11.35 इंच की 2.4K 60Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले जिसमें 400 nits की ब्राइटनेस, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8000mAh की 1 GB बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 8MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा और क्वाड डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर के साथ और वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाते हैं, और 1 ईयर की वारंटी के साथ में 8GB 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 19,998 रुपीज में आता है। तो दोस्तों इस टैब की बात करें तो इसमें आपको रैम और स्टोरेज बढ़िया देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया वो तो आपको और भी बढ़िया देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी टैबलेट बताया दोस्तों आपको 2K या फुल HD डिस्प्ले के साथ में आते हैं, लेकिन 2.4K डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और इसकी जो डिस्प्ले है वो भी TUV सर्टिफाइड है जिससे अगर आप इसमें लंबे टाइम तक इसमें कुछ भी कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं या रीडिंग वगैरह करते हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपकी आंखों को। तो दोस्तों इसमें सारे फीचर्स तो आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है उसमें आपको 60Hz का ही हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक ही मेजर कौन देखने को मिल जाता है, इसीलिए आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है।
इसके बाद दोस्तों आज के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे टैबलेट आता है लेनोवो की तरफ से, तो अगर आप एक लेनोवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च टैबलेट लेना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस से लेकर बाकी फीचर भी बढ़िया देखने को मिल जाए, डिस्प्ले क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त हो, तब आप इसको जरूर ले सकते हैं। और है लेनोवो टैब प्लस। अब इस टैबलेट की बात करें तो इसमें 11.5 इंच की 2K 90Hz रिफ्रेश वाली IPS डिस्प्ले जिसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले, MediaTek Helio G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8600mAh की बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, 8MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा और JBL Dolby स्टीरियो स्पीकर के साथ में वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिव फीचर भी मिल जाते हैं, IP52 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ में फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम और 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 8GB 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 20,999 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पे 2,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 18,999 रुपीज हो जाती है। दोस्तों इस टैबलेट की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी टैबलेट बताऊंगा सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाता है, उसी साथ में जो बैटरी बैकअप दिया गया वो भी बढ़िया देखने को मिलेगा, जो डिस्प्ले है, जो साउंड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक लेनोवो की तरफ से एक बेस्ट नॉर्मल गेमिंग के लिए टैबलेट लेना चाहते हैं या आप स्टूडेंट वगैरह हैं अपने स्टडी के लिए एक बेस्ट टैबलेट लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के लिस्ट में जो नंबर एक पे टैबलेट आता है इसमें दोस्तों मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, लेकिन आपको एक पावरफुल गेमिंग टैबलेट देखने को मिल जाएगा। मैं आप सभी को आगे बताता हूं कि मैंने क्या इसमें चीटिंग की है। और रेडमी पैड प्रो। अब इस टैबलेट की बात करें तो इसमें 12.1 इंच की 2.5K 120Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले जिसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 4nm प्रोसेसर, हाइपर OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, 10,000mAh की एक बिग बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 8MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, क्वाड डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर और वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 6GB 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 21,999 रुपीज में आता है। तो दोस्तों इस टैब की बात करें तो इसमें आपको 10,000mAh की एक बिग बैटरी मिलती है, 12.1 इंच की एक बिग डिस्प्ले मिलती है 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितने भी टैबलेट बताए थे उसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले और बैटरी नहीं देखने को मिलती है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो भी सबसे बेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों सारे फीचर इसमें बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों जो मैं चीटिंग किया था इसकी जो प्राइस है आपको 22,000 रुपीज में मिलता है, लेकिन जब भी अमेजोन पर कोई सा भी सेल आता है तो उस सेल में आपको अंडर 20,000 रुपीज में मिल जाता है, लेकिन हालांकि अभी के टाइम पे इसमें कार्ड डिस्काउंट वगैरह बैंक ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए इसकी प्राइस 22,000 रुपीज है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट टैबलेट्स अंडर 20,000 रुपीज। तो दोस्तों आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सारे टैबलेट में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांड का चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।